हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम रिव्यू करेंगे रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350 सीसी EFI BS6 मॉडल 2020। ये मॉडल है, रिव्यू करेंगे क्या क्या इसमें नए फीचर हैं, क्या इसमें नई और चीज़ें आई हैं, क्या नहीं आई हैं, उसके बारे में रिव्यू करेंगे। तो गाइस, वीडियो एंड तक देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइज, ये है अपना रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350 सीसी 2020 मॉडल, BS6 है ये EFI। तो देखते हैं इसमें क्या क्या नए फीचर आए हैं, क्या फीचर नहीं आए इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट से देखते हैं। तो गाइज, ये है इसमें डिस्क जो कि सिंगल चैनल ABS है। पीछे इसका ब्रेक जो है वो ड्रम ब्रेक है, और ये रिफ्लेक्टर जो हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो और देखते हैं, इंडिकेटर्स जो हैं वो वही हैं जो पहले होते थे, लाइट भी वही है। और जो मेन चीज़ है वो है ये कैटलिक कन्वर्टर, जो कि अभी EFI जो हैं हमारे रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड के मॉडल, उनमें सारे इवन सभी रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड क्लासिक या रॉयल इनफील्ड जो भी हैं उनमें अभी ये पाइप आ रही है। इसको कवर किया है डिज़ाइनिंग अच्छी, लुक अच्छी दिखने के लिए। और ये EFI इंजन है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। तो ये है गाइस, बात करें फ्रंट की तो फ्रंट में हमारा ये मीटर है, अभी 2449 किलोमीटर चला हुआ है टोटल। बात करें फ्रंट की तो ABS का है, साथ में पेट्रोल का है। जब रिज़र्व नहीं है इसमें, जब रिज़र्व लगेगा तो ये पेट्रोल का साइन आएगा, ये किल स्विच का साइन है। और जो की है वो ये इसकी टू कीज़ हैं जैसा आप देख सकते हैं। बाकी बात करें तो ये किल स्विच है, सेल्फ इसमें नहीं आती है, ओनली अभी डिस्क आई है। सेल्फ जो आपको मिलेगी वो इलेक्ट्रा या क्लासिक 350 में मिलेगी। बाकी इसके फीचर्स ये हैं, सेल्फ नहीं है, ये ओनली किक स्टार्ट है। तो जो भी यूज़र हैं, और ये गाइक जो फ्यूल इंजेक्शन का है वो है ये सारा इसका, ये वही पुराना ओल्ड टाइप जो था, ये बुलेट 350, ये बहुत सही। ये और गाइस एक ये दो चीज़ जो है वो मेरी फेवरेट हैं इस 350 मॉडल में। और बात करें बैक, तो गाइस बैक में कोई ज़्यादा इन्होंने चेंजेस नहीं दिए हैं, वही जो पहले थे, इंडिकेटर और लाइट वही है। और साइलेंसर देखें तो ये है इसका ओल्ड साइलेंसर, वही है, ये गुड क्वालिटी का हेलमेट जो कंपनी ने फ्री दिया। और गाइस बात करें टायर्स की, तो 19 इंच के टायर्स हैं इसके जो फ्रंट है, स्पोक व्हील्स हैं। और बात करें बैक टायर की तो बैक टायर भी इसमें स्पोक व्हील है, MRF का है टायर दिया हुआ है, और ये स्पोक व्हील है। अलॉयज़ आप कंपनी में फिट करवा सकते हो अगर आपकी अपनी चॉइस हो तो। और लाइट्स की बात करें तो ये जब हम ऑन करेंगे तो ये पार्किंग लाइट, अभी डे है इसलिए ज़्यादा इसका आपको लग नहीं रहा होगा पता, ये डिफरेंस है, पार्किंग लाइट इसमें है। गाइज ये है बैटरी के लिए प्लेस बनाया हुआ है, और यहाँ जो है यहाँ पूरी जो ABS की टूल किट है वो है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये पूरी ABS की टूल किट है, यहाँ पे सारा जो भी है, कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से वो देखी जाएगी। तो गाइज बात करें साउंड की, तो इंजन साउंड ये है इसका जो अभी मैं आपको आ रही है आवाज़,
ये इंजन साउंड था, अभी साइलेंसर की साउंड मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये है गाइस इसकी साउंड इंजन की और साइलेंसर की। तो गाइस कैसा लगा रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350 सीसी EFI BS6? कमेंट करो, ज़रूर बताओ कैसा लगा आपको, और जुड़े रहिए आगे भी हमारे चैनल के साथ। अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब करो यार हमारे चैनल को। तो गाइस कैसा लगा आपको रिव्यू स्टैंडर्ड 350 सीसी BS6 मॉडल का, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू गाइस।